डेनारा बेयरिंग एंड पिस्टन लिमिटेड की यूनिट नंबर 1 और 2 के श्रमिक आए सड़कों पर। भाजपा की सरकार होने के बावजूद श्रमिक लगा रहे हैं अधिकारियों के चक्कर। डेनारा बेयरिंग एंड पिस्टन लिमिटेड की यूनिट नंबर 1 और 2 के श्रमिक आए सड़कों पर। भाजपा की सरकार होने के बावजूद श्रमिक लगा रहे हैं अधिकारियों के चक्कर। आगरा की डेनारा बेयरिंग एंड पिस्टन लिमिटेड की यूनिट 1 और 2 जो की सिकंदरा इंडस्ट्रियल एरिया फिर से विवादों के घेरे में आई। आपको बता दें डेनारा फैक्ट्री कर्मचारी आए दिन हड़तालों पर जाते रहते हैं लेकिन ना तो उनकी हड़तालों पर जाते रहते हैं लेकिन ना तो उनकी शासन सुनता है ना ही प्रशासन। आज जब बैनारा के श्रमिक श्रम कार्यालय में लेबर कमिश्नर के सामने अपनी फरियाद लेकर पहुंचे तो उन्हें खाली हाथ वापस आना पड़ा। जिस तरह कर्मचारी अपने वेतन और फंड के पैसों को लेकर परेशान हैं, इनकी परेशानी में कुछ नामचीन नेता अपनी रोटियां सेकने में लगे हैं। मालिक और लेबर के बीच में आकर अपनी रोटियां सेकते हैं लेकिन भोली भाली लेबर इनकी बातों में आ जाती है, जहां एक और लेबर कमिश्नर मैनेजमेंट से बात करके अपनी बात समाप्त करते हैं और लेबर से एक बार भी उसकी परेशानी पूछने या बात करने का समय नहीं दे पाते। ये देखिए बैनारा इंडस्ट्रीज की जो 2 यूनिट है उनमें वार्ता चल रही है पूर्व से, जिसमें वर्करों की मेन डिमांड ये है कि इनको 121-122 जो वर्ष है उसका बोनस नहीं मिला था और एक डिलेड सैलरी है जो इनको समय पर नहीं मिल रही है। तो वार्ता के माध्यम से इसका समाधान कराने का प्रयास किया जा रहा है। कई दौर की वार्ता इसमें हो चुकी है और बोनस की जो रही बाकी धनराशि है उसका भुगतान अप्रैल माह में कर दिया जाएगा। 55% बोनस इनको मिल चुका है मार्च तक। सैलरी 1 महीना डिले चल रही है, इसका भी प्रयास किया जा रहा है और आज बातचीत के माध्यम से इसका समाधान करा लिया जाएगा। नहीं देखिए बेसिक सैलरी हर उसमें अलग अलग है, उससे भी 3 कैटेगरी होती है। अब किस टाइप का वर्कर है उसकी जो मिनिमम वेजेस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि अर्धकुशल है अकुशल है या कुशल श्रमिक है। मैं आपको वो दे दूंगा, रिकट में दे दूंगा जो गवर्नमेंट का शासन आदेश अभी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक के लिए होता है, तो वो मैं आपको दे दूंगा। उसको आप सर्कुलेट भी कर दीजिएगा अपने चैनल के माध्यम से। और मिनिमम वेजेस की बेसिकली समस्या नहीं थी, सैलरी ना मिलने की समस्या थी, चूंकि कंपनी के साथ कुछ प्रॉब्लम थी तो समाधान के प्रयास किया जा रहे हैं। सर उनको 4 महीने में 4 बार मजदूरी मिल पाती है। मैंने आपको जैसा कि बताया कि फैक्ट्री में कुछ फंड की प्रॉब्लम चल रही है, बातचीत के माध्यम से समाधान कराने का प्रयास किया जा रहा है। फरवरी तक की सैलरी पूरी हो गई है, अब मार्च की सैलरी अभी ड्यू नहीं हुई है। मार्च की सैलरी ड्यू होती है 7 तारीख को, तो जब मार्च की सैलरी ड्यू हो जाएगी अगर नहीं मिलती है 7 तारीख तक तो उसका भी समाधान कराया जाएगा। जो सर पीएफ का ही है और जो डीए भी बढ़ गया था कई दिनों का वो नहीं भरा जा रहा है। बात नहीं आपकी? हमारे यहाँ डीएलसी कमिश्नर साहब के यहाँ मैंने दे दी रिपोर्ट लिख के, तो कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। अगर सुनवाई नहीं होती है कोई फैसला नहीं होता तो क्या करेंगे आप? हम योगी तक मोदी तक भी जाएंगे, लखनऊ तक, मतलब हड़ताल कर हड़ताल भी जाएंगे। ऐसा समय आया तो हड़ताल भी करनी पड़ेगी फैक्ट्री में। जैसे आज ड्यूटी वाला दिन था आप लोग यहाँ पर, आज काम पे कैसे? हमारी यहाँ तारीख थी डीएलसी के यहाँ, तारीख में आए छुट्टी लेके जी। परेशानी जी है जो हम काम कर रहे हैं वो समय से सैलरी नहीं मिल रही है, 4 भागों में मिल रही है वो भी समय से नहीं मिल रही है। दूसरी बात ये है जो हमारा बोनस है वो भी समय से नहीं मिल रहा है, 4 भागों में मिल रहा है। तीसरी बात ये है जो हमारा फंड कट रहा है, 18 महीने हो गए लेकिन फंड भरा नहीं अभी तक, और जो भाई हमारे रिटायरमेंट हो चुके हैं उनका हिसाब नहीं हो रहा है। फंड मालिक लोग ये कहते हैं हमारे पास अभी पैसा नहीं है, जब पैसा आ जाएगा तब हम सारा काम करेंगे। कहीं ना कहीं पैसे को लेकर परेशान है, पैसों को लेकर मालिक परेशान है। मालिक के पास पैसा, फैक्ट्री खूब चल रही है, कोई कमी नहीं है लेकिन पैसा नहीं मिल रहा। काम पूरा पर देने काम पूरा चल रहा है, 24 घंटे फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री में कोई कमी नहीं है, ओवरटाइम चल रही है। और जो हमारे भाई बहन है 2 साल 4 साल हो चुकी है, उनका ना तो बोनस मिला और ना उनका डीए बढ़ा। अब तक ज्ञापन दे दिया साहब, क्या कह रहे हैं? क्या अभी हमारे पास उनका कोई समाचार नहीं आया? ऐसे सारे कर्मचारी मन महसूस कर वापस आ गए। ये बात आज की नहीं, पिछले कई सालों से कर्मचारी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं लेकिन अभी तक इसका निवारण नहीं हुआ। कारण है कि मालिक लोग श्रमिकों के बने सिपहसालार नेताओं को अपनी जेब में रखते हैं और रही सही कसर प्रशासनिक अधिकारियों को भी अपनी ओर मिला लेते हैं। नतीजा सिफर आता है, कर्मचारियों को निराशा हाथ लगती है और मालिकों की चांदी होती है। ऐसा ही वाकया आज हुआ, लेकिन अब देखने वाली बात है कि कर्मचारियों के साथ किस तरीके का व्यवहार कंपनी वाले करते हैं।